हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूँ अंकिता, मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले वो है नज़रों को कैसे पाक रखे बाय मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो, तो थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। और काफ़ी दिनों से इनके ऊपर रिक्वेस्ट आया था कि आप मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद के भी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दीजिए। तो हमने कभी नहीं देखा, ये पहली बार है हमारा। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते, उसके बाद बात करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. अच्छा भाई मुफ्ती साहब, हमें अल्लाह ने हमें ऐसे दौर में पैदा किया है जिसमें नज़र की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, हम क्या करें? देखो, अगर मुश्किल काम होता तो आप नज़र झुकाना चाहते तो कोई बैरूनी ताकत आपके आपको यूं मुंह करती, धड़ाम से ऊपर करती, और आप कहते हैं मैं यूं मुंह नीचे कर रहा हूं मगर हो नहीं रहा, मेरी कमर अड़कड़ गई है। फिर आप कहते हैं कि गर्दन झुकाना भी मुश्किल और नज़र झुकाना भी, बोलो भाई, मुश्किल। देखो, जो नज़र की हिफाजत करने वाले होते हैं ना, जितना गंदा माहौल हो या अच्छा माहौल हो, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ठरकी होगा, 24 घंटे में एक औरत नज़र आएगी, उसको भी देखेगा, बल्कि ज्यादा घूर के देखेगा कि सुबह से कोई ग्राहक नहीं मिला। जब ये लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन, एक मुझे मछली वाला नजर आया, अपनी टोकरी में मछली लेके साइकिल पे घूम रहा है। सब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। मैंने उससे पूछा, खैरियत, तुम अकेले कैसे घूम रहे, पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं? कह रहे पकड़ा था। पुलिस वाले ने बोला, यार सुबह से एक कस्टमर भी नहीं आया, 500 रुपए दे दे, नाश्ता भी नहीं किया हमने, 500 रुपए दे दे, नाश्ता भी नहीं किया और निकल ले यहां से। कह रहे मैंने 500 रुपए दिए, अब मैं गले आराम से मछली बेच रहा हूं। तो ठरकी आदमी को सारा दिन में एक औरत नजर आएगी, उसको देखेगा, और जो नजर झुकाने वाले लोग हैं वो सैकड़ों गुजर जाएं उनके सामने से ये एक गुजरे, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ना उसको देखना है ना उसको, कह रहे यार अल्लाह ने मेरे लिए मेरी बीवी को पैदा किया, खत्म। एकदम सही बात। तो ये काम मुश्किल जब होता, जब आप गर्दन झुकाना चाहते और इधर गर्दन में फ्रैक्चर होने का खतरा होता, ये अकड़ जाती गर्दन, सही है ना? जैसे यूं कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं रही, तो ऐसा होता है भाई। जैसे ही कोई खातून गुजरी, आपका देखने का दिल चाह रहा, आप यूं कर लो, कोई टेंशन हुई? और नजर झुकाना तो और आसान, गर्दन में तो फिर भी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी दाएं बाएं होने का खतरा होता है। एकदम यूं किया तो पता चला चुक आ गई ना। पल को झपकने में, नजरों को नीचे करने में तो एनर्जी, मेरा ख्याल है इतनी सी भी एनर्जी खर्च नहीं होती कि जिसे डॉक्टर कोई कहें कि आपकी इतनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई है, अब आप 6 पराठे खाएं बैठ के, कि आपने चूंकि पलकें जब नीचे झुकाई हैं तो इतनी ज्यादा आपको ताकत लगानी पड़ी है कि अब जब तक 6-7 पराठे नहीं खाएंगे, आपकी जो एनर्जी सर्व हुई है या यूटिलाइज हुई है वो अब रिकवरी नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं है सारा दिन बैठ के पलक ऊपर नीचे करते रहो, कोई एनर्जी खर्च, कोई तवानाई खर्च ही नहीं होती। तो बात असल में यह है, मसला है ठरक का, जो पॉइंट है ना वो क्या है? माजरत के साथ मैं थोड़ी सी अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये कौन से अच्छे काम है कि जिनके लिए मैं मिर्जा गालिब की शाइस्ता उर्दू इस्तेमाल करूं? हैं, ये जो बदनजरी का काम है, मैं कहूं एक्चुअली आप जो है वो एक है, आप पेशेंट हैं। भाई ये बादल गरज रहे हैं, बेफिक्र रहे हैं, बारिश तो खानदानी। मैं आज ही सोच रहा था, मैंने बारिश पे बयान किया, उस दिन से बारिश मार्केट से शॉर्ट हो गई, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, बारिश से फ़ायदा ही होता है, फ़ायदा ही होता है बारिश से। वही सब्बिहु रादु बिहम्दिही है ना कुरान में, कि बादल की गरज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह की रहमत जब बरसती है तो शान से बरसती है, अल्लाह कहते हैं हटो। सही है ना? तो हम, आपने तो यहाँ बादल जो गरजते हुए देखे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में जो गरजते हैं ना, वो तो कराची वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पहाड़ी इलाकों में इतनी आवाज़ होती है उसकी। तो खैर, क्या बात चल रही थी? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, असल मसला किसका है? ठरक का। तो ये ठरक पूरी, और ये 4 शादियों से भी नहीं जाती ये ठरक, ये बता दूँ, कहीं आप समझो 4 शादियाँ कर लूँगा तो मैं, जो ठरकी हैं वो सैकड़ों शादियाँ भी कर लें, उनकी ठरक ख़त्म नहीं होती। 4 शादियों से ये होता है कि इंसान में जो अल्लाह ने जवान आदमी में कुव्वत रखी है, वो कुव्वत उसको मजबूर करती है बदनजरी पर। तो वो जब उसकी वो सही जगह इस्तेमाल हो जाती है उसकी कुव्वत,
تو پھر وہ دائیں بائیں جانے سے بچ جاتا ہے. جیسے بھوک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا لو, ایک نارمل آدمی کا پیٹ بھر جائے گا, لیکن ٹھرگیوں کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ادھر سے بھی کھا لوں, وہاں سے بھی جا کے کھا لوں, پھر دونے والے وہاں سے بھی لے گا جا کے, پھر آفس میں جائے گا وہاں بھی کیک چائے میں ڈبو کے کھائے گا, پھر تھوڑی دیر میں گٹکا کھائے گا, پھر تھوڑی دیر جو گھو رہا ہے. صبح سے جو نان اسٹاپ کھانا شروع کرتے ہیں رات تک کھاتے, پھر رات کو ہاضمے کی گولی کھائے گا صبح سے. تو یہ بھوک نہیں ہے, بھوک کا علاج ہے, اور یہ نیچرل ہے بھوک کا لگنا. کم سے کم دو ٹائم انسان کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. تو ایسے ہی ایک شہوت کی بھوک ہوتی ہے جو ہر نارمل آدمی میں ہوتی ہے, اس کو بیوی چاہیے, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ہو گئی, چلو اس کے بعد اس کا دل بھر جائے گا. لیکن جو ٹھرک ہے نا, جیسے وہ چائے میں چائے میں پاپے ڈبو کے کھاتا رہے گا, پھر تھوڑی دیر میں پھر اس کو پیسٹری چاہیے, پھر سموسا چاہیے. ایک ہمارے جاننے والے, وہ بےچارے ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو, بچ گئے. ان کا یہی تھی کہ صبح سے کبھی کوئی نوالا چھوڑتے نہیں تھے, کہیں بھی دسترخوان پہ وہ کہتے ہیں میں گیا مجھے کچھ نظر آئے تو میں نے کہا دو نوالے تو بنتے ہیں, تو دو دو نوالے ہوتے ہوتے وہ 40-50 نوالے بن جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا اصل علاج ہے بد نظری کا, اس ٹھرک کا علاج کرو. پہلا تو یہ سنت جو نبی نے بتایا, نکاح کرو. دوسرا طریقہ کیا ہے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, ایک دفعہ بھی بد نظری کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور وہ ہر آدمی کی آمدن کے لحاظ سے, غریب آدمی کے لیے 50 روپے بھی بہت ہیں, مالدار کے لیے 5,000 بھی کم ہیں, سمجھ رہے ہو. تو جب تک اپنے آپ کو سزا نہیں دو گے, جب تک انسان خود اپنی ٹھکائی نہیں کرتا, کوئی معاشرہ تھوڑی کرے گا اس کی ٹھکائی. تو کیوں انڈی کو دیکھ رہا تھا, ایک ابا ہوتے تو چلو ٹھکائی بھی لگا دیتے, ابا تو پتہ نہیں کس خود ایسا نہ ہو کہ وہ کیا بیچارے, وہ ہے نا. ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سائنس پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان, یہ میرا بچہ باتیں کیسی کر رہا ہے, جان کھڑکی سے نکلتی. بیٹا کھڑکی سے کیسے نکلتی ہے؟ کہہ رہی ہیں وہ جب آپ باہر جاتی ہیں نا تو وہ انٹی آتی ہیں پڑوس والی, تو جیسے ہی جب آپ گھر میں آتی ہیں نا تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ, میری بیگم آ رہی ہے جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے کے دماغ میں یہ ہو گیا کہ جان کہاں سے نکلتی ہے, کھڑکی سے نکلتی ہے. تو یا تو ابا تھپڑ لگائیں گے, اور ابا بھی اگر جان کو کھڑکی سے نکال رہے ہیں وہ کہاں سے تھپڑ لگائیں گے؟ تو باپ کنٹرول کرے, بھائی کنٹرول کرے. آج کل کنٹرولنگ پاور ہی ختم ہو گئی, پھر 24 گھنٹے کون سر پہ مسلط رہے گا؟ پھر فیس بک پر یوٹیوب پہ تو بہت زیادہ بد نظری ہو رہی ہے. تو میرے بھائی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا علاج اب خود ہی کرنا پڑے گا, کوئی اور آپ کا علاج نہیں کرے گا. یا علم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت. اور اس زمانے میں نظر کی حفاظت کا ثواب بھی بہت ہے, کیونکہ نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کہہ گئے صرف میرے خوف سے کر رہا ہے. تو اس لیے جب پہلے تو کوشش کرو بچنے کی, چیلنج کرو کہ 40 دن تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا میں, اور پھر جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر کہ وہ اپنی سزا کے حساب سے نا, کہ جب ایک دفعہ بد نظری ہو تو وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ پیسے دینا ہی مصیبت بن جائے, اور اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ سارا دن بد نظری کر کر کے ریٹ, بھائی ریٹ ہیں ایک دفعہ دیکھنے کا, یہ ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو یہ ریٹ میں افورڈ, 100 دفعہ بھی دیکھ لوں تو افورڈ کر, اتنا کم ریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, دیکھنے کے ریٹ کیا ہوں زیادہ ہوں. تو اس طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی چھوٹنے کی. جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں نا وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, صحیح ہے نا, وہ نگرانی کرے گی جہاں جہاں جا رہے ہو ساتھ لے کے جاؤ, وہ ایسی نگرانی کرے گی کہ آپ کے, وہ تو جہاں نظر کی حفاظت فرض نہیں بھی ہے وہاں بھی کروا دے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے ساتھ سنت موقع بھی پڑھنی چاہیے؟ نہیں, صرف فرض اور واجب پڑھیں. فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو کسی اور ٹائم سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں.
थैंक यू सो मच वीडियो को सजेस्ट करने के लिए, और इनका वीडियो हम पहली बार देख रहे हैं और इनका बातें भी हम पहली बार सुन रहे हैं। तो पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये मौलाना साहब बहुत ही खुश मिजाज है, जो जो बात बोल रहे हैं हंसकर बहुत अच्छे से प्यार से बोल रहे हैं, मतलब जो समझाने के लिए जो तरीका अपनाना चाहिए उन्होंने वैसे ही समझाया है, बहुत सिंपल रखा है, सिंपल रखा है। और मैंने देखा कि वीडियो के अंदर कि बहुत सारे लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो लिख के रखे और उनका ही जवाब दे रहे थे। तो किसी ने शायद पूछा होगा कि नज़र कैसे बचाए, हाँ पाक रखे, तो उन्होंने तो समझाया ही, बहुत ही अच्छे से समझाया। मेरे ख्याल से नज़र साफ रखना उन्होंने जैसे कहा कि खुद के ऊपर ही है, खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखो, क्या चीज़ सही है वो देखो, क्या चीज़ सही नहीं है वो मत करो। और मतलब और एक चीज़ उन्होंने लास्ट में कहा कि अगर साथ में बीवी रहेगा तो वो दूसरा खातून को नहीं देखेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो इंसान बुरा होता है ठीक है, वो किसी के भी साथ हो, उनको अगर गलत काम करना हो वो करेगा, उनको कोई नहीं रोक सकता सिवाय वो खुद के। तो इनका वीडियो हम लोग पहली बार देख रहे हैं मुफ्ती साहब की, और मुझे काफ़ी पसंद है इनका स्पीच क्योंकि बहुत ज़्यादा रियल है। और देखिए नेगेटिव जो माइंडसेट के इंसान होगा, जो जिनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होगा, वो कहीं भी रहेगा वो अपना नेगेटिव काम जरूर करेगा। जो एक अच्छा मतलब इंसान का सोच से इंसान का कैरेक्टर का पता चलता है, इंसान जैसे सोचते वैसे ही वो काम करते हैं। तो कोई इंसान अगर अच्छे सोच का होगा, पॉजिटिव वाइब का होगा, तो जहाँ पर जाएगा वो अपना पॉजिटिव काम जरूर करेगा। लेकिन जो नेगेटिव इंसान, उसको आप कहीं भी कोई काम पर भेजो, उसमें भी वो नेगेटिव चीज़ें निकलेगा, मतलब नेगेटिव काम करेगा, नेगेटिव सोच उसका वो उस वक्त भी दिखाई देगा। तो नेगेटिव इंसान तो अभी सोशल मीडिया के ज़माने में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नेगेटिव लोग है, हाँ उनका मतलब आप कमेंट से देख सकते हो उनका जो थॉट प्रोसेस है, मतलब बोलते हैं ना इंसान के काम कैसे होता है, उनका थॉट प्रोसेस से उनका काम होता है। अगर कोई इंसान बुरा सोच रहा है तो उनका काम भी वैसे बुरा ही निकलेगा। कोई अच्छा आप वीडियो देखोगे वहाँ पर भी बहुत सारा नेगेटिव कमेंट होता है, मतलब एक बच्चे का भी वीडियो होगा वहाँ पर भी, मतलब लोगों का सोच इतना नेगेटिव हो गया, हर चीज में गलतियाँ वो लोग ढूंढ के निकालते हैं। मतलब कोई छोटी से छोटी भी इंसान से कोई गलती हो जाता है, उनको लेकर भी इतना पॉइंट करके इशू बनाते हैं कि मतलब उनका कमेंट्स देखकर व उनका बात देखकर पता चलता है वो इंसान खुद कितना नेगेटिव सोचते हैं। और एक्चुअली नेगेटिव जो चीज़ है वो ज़्यादा जल्दी से फैलता है, एक पॉजिटिव चीज़ को सोचने में करने में वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा उसको करने में मुश्किल भी रहता है एक पॉजिटिव काम। लेकिन जब आप बुराई के काम करते हो, कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो वो मतलब आसान से फैलता है, आसानी से होता है। जैसे अगर एग्जांपल अगर सोशल मीडिया आप देखो, कोई एक अच्छा से अच्छा वीडियो अगर 90% उसमें लाइक होगा तो 10% डिसलाइक ज़रूर होगा, जबकि वो वीडियो इतना अच्छा है कि कोई किसी को उसको मतलब डिसलाइक करने की ज़रूरत भी नहीं था। लेकिन 10 में से ऐसा कमेंट एक दो होगा जो मतलब बुरा कमेंट होगा, जो मतलब उनका काम ही है बुरा ही फैलाना, उनका जो सोच ही है बुरा है। सुबह से ही सोचते हैं क्या क्या करेंगे, किसके ऊपर क्या मतलब ढूंढ ढूंढ के वो निकालेंगे, क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, उनका काम ही होता ही है। वो लोग सोशल मीडिया नहीं, असल जिंदगी में भी ऐसे ही होते हैं, आप खुद के रिलेटिव के अंदर भी वो लोग गंदा काम करते हैं, काम करके वो छुपाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा नेगेटिव इंसान हर जगह नेगेटिव होता है। तो मेरे ख्याल से जो सोच है, सोच से ही आप अपना जो नजरिया वो बदल सकते हो, आपका सोच आपको डिफाइन कर सकता है। तो आपका सोच अगर सही रहेगा तो ऑब्वियसली आप अपना जो काम है, अपना कैरेक्टर है, उसको भी आप सही रास्ते पे ले जा सकोगे। और एक इंसान नेगेटिव होता है तो वो हर जगह फैलता है। और उनका नेगेटिव करने का मतलब क्या है, उनका जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के साथ भी जाते हैं, वो वहाँ पे नेगेटिविटी फैलाता है, मतलब उनके चलते कोई अच्छा इंसान भी नेगेटिव बन जाता है। और एक अगर पॉजिटिव इंसान होगा तो 10 नेगेटिव होगा तो उनके अंदर अलग से वो दिखेगा कि नहीं इस बंदी का सोच बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिविटी उतना जल्दी फैलता नहीं है, लोग उतना ज्यादा अच्छे तरीके से लेता नहीं है। पॉजिटिविटी को हर कोई सपोर्ट करता है लेकिन उसको मतलब अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादा नेगेटिव चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल इनका स्पीच मुझे काफी पसंद है, काफी ज्यादा जैसे कि मैंने देखा काफी ज्यादा एक बहुत फन तरीके से उन्होंने बातचीत किया है, बोल्ड तरीके से। जैसे हम लोगों ने इससे पहले जितने भी पिक्चर देखे बहुत ज्यादा तहजीब में बात करते थे, लेकिन इनका जो स्पीच है थोड़ा बहुत अलग है दूसरों से, मुझे काफी पसंद आया। वो बात करने का मतलब दोस्तों के अंदर जैसे बोलते हैं ना, समझाते हैं वैसे, और बहुत रियल है क्योंकि रियलिटी को समझाने के लिए आपको उस तरीके का रियल बोल्ड कमेंट करना पड़ता है। तो मुझे काफी वीडियो पसंद है, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।